हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट। आपको लेके चलती हूं अपनी किचन में। आइए चलते हैं नील्स किचन में। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं अप्पे। मैं बनाऊंगी सूजी के अप्पे बनाऊंगी और स्टफ्ड अप्पे बना के दिखाऊंगी आज आपको। बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो ये मैंने जो कटोरा आपको दिखाया था, मैंने इतना भर के ही सूजी ली थी और इसी के बराबर इसमें दही ऐड किया है। दोनों चीज़ें इक्वल ली हैं मैंने। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करके रखूँगी कुछ देर के लिए। थोड़ा सॉल्ट पड़ेगा इसमें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को, जिससे कि इसमें जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं सारे। तब तक हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए, अब घोल तैयार होने लगा। इसको थोड़ी देर के लिए अब ढक के रख देंगे हम। करीब 20-25 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे एक साइड में। 20 मिनट हो चुके हैं और मेरा ये घोल भी तैयार है पूरी तरीके से। थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी अभी। इसका बैटर बहुत थिक ही नहीं होना चाहिए और ना पतला होना चाहिए, जैसे चीले का होता है उससे थोड़ा गाढ़ा होता है। ये वाला टेक्सचर होना चाहिए जो अब है हमारा। इतने में इसकी फिलिंग भी तैयार कर लेती हूँ अप्पे के लिए। तो इसके लिए मैंने ये लिया है एक बाउल चीज़ कद्दूकस करके, और एक बाउल पनीर है कद्दूकस करा हुआ, एक बाउल आलू है कद्दूकस करे हुए, और थोड़ा सा गार्लिक है, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है आप डालें। और ये मसालों में है शेज़वान चटनी, रेड चिली फ्लेक्स, और यह है काली मिर्च पाउडर और ओरिगैनो। इन सबको हम एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। आलू, चीज़, पनीर, ये गार्लिक, पनीर, अब इसमें मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सॉल्ट, क्योंकि चीज़ में सॉल्ट होता है तो सॉल्ट कम ही पड़ेगा इसमें। रेड चिली फ्लेक्स हैं ये थोड़े से, करीब आधा चम्मच। ओरिगैनो पाउडर है आधा चम्मच। और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी आधा चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, थोड़ी सी शेज़वान चटनी। शेज़वान चटनी से बहुत टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो वो ज़रूर ऐड करें इसमें। तो करीब एक चम्मच मैं इसमें शेज़वान चटनी ऐड कर दूँगी। ये सब टीस्पून के नाप मैंने आपको बताए हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हम अप्पे की फिलिंग हमारी तैयार है। अब इसके बॉल्स बना के रख लेंगे छोटे छोटे, जो हमें अप्पों के अंदर रखने हैं। बॉल्स रखे होंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा बनाना।
ये देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं अब इसके फिलिंग के। ये अप्पे का घोल भी रेडी है। अप्पे के घोल के लिए थोड़ा सा तड़का भी बना लेती हूँ मैं राई का। तो ये मैंने घी में थोड़ा राई डाला है गरम करके, और थोड़ा सा सरसों दाना और थोड़ा सा करी पत्ता। इन्हें अच्छी तरह भून के, और मैं अप्पे का जो मेरा बैटर है उसमें मिला दूँगी। इससे करी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अब हम बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब हमें ये अपने अप्पे पैन में लगाने हैं अप्पे, उस समय मैं इसमें एक इनो का पाउच मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह, और उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी जिससे कि वो फ्लफ़ी हो जाए काफ़ी। अब बैटर रेडी है हमारा। मेरा पैन भी गर्म हो चुका है, तो अब मैं पहले इसमें ऑयलिंग कर दूंगी जिससे कि अप्पे चिपके नहीं। अब हम इसमें एक एक चम्मच पहले अप्पे का घोल पूरे सब उसमें डाल देंगे, इसके जितने भी खाने बने हुए हैं, और जो हमने बॉल्स बनाए हैं वो एक एक बॉल हम इसके बीच में लगाते जाएंगे। इसमें याद रखें कि साइड से डालने शुरू करें आप घोल को, बीच वाले खानों में बाद में डालें क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, गैस की डायरेक्ट हीट लगती है उसमें, तो इसलिए साइड वाले खानों में पहले डालें और बीच वालों में बाद में। फिर ये सारे बॉल्स लगा के हम इनके ऊपर भी अप्पे का घोल लगा देंगे, और इन्हें ढक के थोड़ी देर के लिए सिकने देंगे। करीब 2-3 मिनट में ये सिक जाएंगे सिम गैस पे ही सेकने हैं, ये तेज़ नहीं करनी है गैस हमें। ये मैंने सारे जो बॉल्स थे सारे कवर हो गए हैं ये, अब इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। अब 5 मिनट के बाद इन्हें फिर खोल के देख लेंगे, अगर ये सिक गए होंगे तो अब इन्हें हम पलट देंगे। ये देखिए सिक गए हैं ये, और अब मैं इन्हें धीरे धीरे पलटना शुरू करूंगी। ये देखिए ये तैयार हैं अप्पे, एक साइड से सिक चुके हैं, ऐसे पलट के इन्हें पूरा दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेकने हैं। फिर ये फिर वही 5 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी इन्हें, और ये पलटने के बाद इन पे एक एक दो दो बूंद ऑयल और हम सब पे लगा देंगे थोड़ा सा, जिससे कि अच्छे से चिकनाई इन पे आ जाए। अब इसको भी ढक के रख दिया मैंने 5-6 मिनट के लिए। ये देखिए अब ये अप्पे बिल्कुल तैयार हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको घुमा के। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ से सिक चुके हैं अच्छी तरह, और करारे करने हैं तो थोड़े से सिम गैस पे थोड़ी देर और रखे जाएंगे। ये अच्छे से सिक चुके हैं अब। ये अप्पे तैयार हैं मेरे खाने के लिए, बिल्कुल रेडी हैं। आप सब लोग भी खाइएगा,
और मुझे बताइएगा कि आपने कैसे बनाए और सबको कैसे लगे घर में। मेरे घर में सबको बहुत अच्छे लगे, और आप और बताइएगा। थैंक यू।